रीमा को पिछले कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे थे। एक रात जब उसने देखा कि सपने में उसे कोई पुकार रहा है, उसने अपने सपने की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया, लेकिन जब वह उस सपने में गहरी उतरती चली गई, तो उसने एक ऐसी भयावह सच्चाई का सामना किया जिसे जानकर उसके होश उड़ गए। रीमा एक साधारण लड़की थी जो मेट्रो शहर में रहती थी और एक निजी कंपनी में काम करती थी। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य था सिवाय एक बात के। पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार एक ही सपना आ रहा था जो हर बार और भी डरावना होता जा रहा था। इस सपने ने उसकी नींद हराम कर दी थी और उसे दिन भर बेचैन रखा था। रीमा ने महसूस किया कि उसका सपना हर रात एक ही समय पर शुरू होता है। सपने में वह एक अजीब जगह पर खड़ी होती थी जहां चारों तरफ धुंधल का छाया रहता था। उस जगह की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भयावहता थी। हर बार जब वह उस जगह पर होती, उसे किसी की आवाज सुनाई देती थी जो उसे पुकार रही होती थी। रीमा ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। उसकी दोस्त सिया ने उसे सुझाव दिया कि वह एक मनोवैज्ञानिक से मिले और अपने सपनों के बारे में उनसे बात करे। रीमा ने यह सुझाव मान लिया और एक मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा से मिलने का निर्णय किया। अगले दिन डॉक्टर शर्मा ने रीमा की कहानी ध्यान से सुनी और उसे सुझाव दिया। तुम एक डायरी बनाओ और हर रात अपने सपने के बारे में लिखो। सपनों का संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है और इससे हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। रीमा ने डॉक्टर शर्मा के सुझाव का पालन किया और एक डायरी में अपने सपनों को लिखना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे कोई विशेष अंतर महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने सपनों में कुछ पैटर्न नजर आने लगे। एक रात रीमा को सपने में एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो बहुत ही भयानक और डरावनी थी। हवेली के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ थे जो अजीब सी आवाजें कर रहे थे। हवेली के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां चारों ओर धूल और जाले थे। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। रीमा ने अपने सपने में हवेली के अंदर की जांच शुरू की। उसने देखा कि हवेली के अंदर एक पुराना कमरा था जो बंद था। उसने कमरे के दरवाजे को खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्नों को पलटते ही उसे एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला जिसमें एक परिवार की दुर्घटना के बारे में लिखा था। अखबार के अनुसार वह हवेली एक समय में एक धनी परिवार की थी, लेकिन एक भयानक दुर्घटना में उस परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे। उसके बाद से वह हवेली वीरान हो गई थी और वहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। अखबार में उस दुर्घटना के बारे में और अधिक जानकारियां थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दुर्घटना में एक छोटी बच्ची की आत्मा हवेली में भटक रही थी। रीमा को अब समझ आने लगा कि उसके सपनों का संबंध उस हवेली और उस छोटी बच्ची की आत्मा से है। उसने अपने सपने में देखा कि बच्ची उसे पुकार रही थी और उसकी मदद मांग रही थी। रीमा ने यह सब अपने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा को बताया। डॉक्टर शर्मा ने उसे सुझाव दिया कि वह उस हवेली के बारे में और जानकारी जुटाए और वहां जाकर वास्तविकता का सामना करे। अगले दिन रीमा ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की यात्रा पर निकल पड़ी। काफी सफर तय करने के बाद शाम होते होते वह एक गांव पहुंची। उस गांव में उसे बिल्कुल वैसी ही हवेली दिखी जैसी उसने अपने सपनों में देखी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उसके अंदर के दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर का नजारा बहुत ही भयावह था। दीवारों पर शेर चीते जैसे जानवरों के कटे सर सजा रखे थे। हर जगह मकड़ियों का जाला लगा था। हर जगह धूल मिट्टी जमी पड़ी थी। वे सब डरते डरते अंदर जाने लगे, तभी अचानक से जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगी।
आज तो मजा आ जाएगा। आज तो बहुत सारे शिकार है। एक एक को मारकर खाने में बड़ा मजा आ जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि वहां औरत और एक छोटी बच्ची की आत्मा खड़ी थी, जो उन्हीं की तरफ देख रही थी। अचानक से वो गायब हो गई। वे सब बहुत डर गए और हवेली से भागने लगे। भागते भागते उनको रास्ते में एक बुजुर्ग मिला। रीमा ने उससे मदद मांगी। बुजुर्ग ने कहा, कहां से आ रहे बेटा और इतने घबरा क्यों रहे हो? तब रीमा ने सारी कहानी बताई। फिर बुजुर्ग ने उनको अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। तब उस बुजुर्ग ने उस हवेली की कहानी बताई। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं भी तुम्हारे जैसा जवान था। इस हवेली में माली का काम किया करता था। इस हवेली में ठाकुर साहब, ठाकुराइन और उनकी एक प्यारी सी बच्ची रहा करती थी। उनका बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन उस हंसते खेलते परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई। एक दिन कुछ डाकुओं ने इस हवेली पर हमला कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ठाकुर साहब को मार दिया, फिर ठाकुर को मार दिया, मगर उनका इससे भी पेट नहीं भरा। उन जल्लादों ने उस बच्ची को ही नहीं छोड़ा और हवेली से सोना चांदी सब लूट कर ले गए। मैं किसी तरह से छुप कर भाग आया था। फिर अब उनकी भटकती आत्मा कैसे शांत होगी और मेरे सपने में वो लोग आते हैं, ये सब कैसे ठीक होगा? इसका एक ही उपाय है, उस हवेली में पूजन करना पड़ेगा, जिससे ये सब ठीक होगा। अगले दिन रीमा एक साधु से मिली, जो बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी थे। रीमा ने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम आज रात को ही उस हवेली में पूजन करेंगे, जिसे सब ठीक हो जाएगा। वे सब रात में हवेली पर गए। अंदर जाते ही भयानक आवाजें आने लगी। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वे आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने शक्ति से रीमा को हवा में उठा के फेंक दिया। साधु को भी उल्टा लटका दिया और जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन साधु भी मानने वाला नहीं था। साधु ने कहा, रुक जाओ, अभी तुम सबको मैं बताता हूं। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक सारी आत्माएं चिल्लाने और रोने लगी। साधु के लगातार मंत्र उच्चारण के कारण आखिरकार आत्माएं इस शैतानी बंधन से मुक्त हो गई। आत्मा ने कहा, हमें मुक्त करने के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आज इतने सालों से हमारी आत्मा भटक रही थी, आज आखिरकार मीरा के वजह से हमें शांति मिल गई। ये कहकर वे गायब हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। अब मीरा भी शांति से सोने लगी और उसके सपने में वे फिर कभी नहीं आए। इस तरह रीमा ने अपने जीवन में इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया।